हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब सेशन में। बज चुके हैं शाम के 5 और 5 बजे का मतलब है आपके सुंदर स्टैटिक जीके और पॉलिटी का सेशन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता है। समर्पण सीरीज 2.0 जिसके माध्यम से इस बार एसएससी जीडी का सपना जो आप लोगों ने संजोया है वो निश्चित रूप से आपका पूर्ण होगा, ऐसी कामना के साथ में। तो करते हैं स्टार्ट, प्रारंभ शानदार और लाजवाब इस विचार के साथ में कि हौसले हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, खुद बन जाएगा। तो निश्चित रूप से खुद को जो है आपको तैयारी, मेहनत, अपनी जो लगन, अपना जो पूरी प्रकाष्ठा आपकी जो है वो आपको अपने धैर्य के साथ में आगे बढ़ना होगा, तो काफिला श्वेत ही आपके पीछे चलेगा, ऐसी कामना के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा, बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होता है। देखें, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बना दिया था? अगर ये भी गलत करोगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कथक नृत्य को, कथकली नृत्य को, मोहिनी अट्टम नृत्य को, या फिर भरतनाट्यम को? भी ध्यान रखो आप लोग, कथक नृत्य तो केरल का है ही नहीं। कथक कहाँ का है? यह तो यूपी और राजस्थान का है भाई। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, जिसके प्रमुख कलाकार कौन है? मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, बिरजू महाराज। और दूसरे कौन है? भानुजी महाराज, भानुजी महाराज। तीसरे कौन से हैं? लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है। तो यहां कथकली जो है ये कहां का है? ये केरल का है। इसी नृत्य को जो है बढ़ावा दिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोहिनी अट्टम भी कहां का है? ये भी भाई केरल का ही है, मोहिनी अट्टम भी, जिसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब मोहिनी का रूप धारण करके और भस्मासुर नामक राक्षस का वध किया था तो इस नृत्य को नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और भरतनाट्यम कहां का है? यह है तमिलनाडु का भाई, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम नृत्य। और यह जो नृत्य है यह सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है भाई, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। और अगर आपसे पूछे कि नृत्यों के बारे में पहले जानकारी अपन को शास्त्रीय नृत्यों के बारे में कहां मिलती है, तो यह मिलती है भरत मुनि के द्वारा लिखा है ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। किसने लिखा था? भरत मुनि। और अगर हमसे ये पूछते हैं कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है सत्रिया नृत्य भाई। सत्रिया नृत्य जो है ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य क्लासिक डांस है, जो है कहां का? असम का। जो कहां का है भाई? असम का है। और असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वो है बिहू नृत्य भाई, जो वर्ष में 3 बार किया जाता है, एक वर्ष में 3 बार किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बिहू नृत्य असम। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? कथकली, मटककली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा, बताओ देखे, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी अमेरिका से लिया है, बिल्कुल सही बात है। और मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रोसेसिंग, ये भी ली गई है। तो ए बी सी तीनों ही ले लिए भाई, ध्यान रखो आप लोग। अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाना है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, न्यायाधीशों को पद से हटाना है, इसके लिए महाभियोग शब्द उपयोग होता है, इम्पीचमेंट, जो हमने अमेरिका से लिया है। देखो, अमेरिका से लिए गए विदेशी स्रोत जो है उनके बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, अन्याय की पुनः उपमा लो, उपमा लो। सबसे पहले देखो, ए ए फोर क्या हो जाएंगे? मौलिक अधिकार भाई, ए फोर क्या हो जाएंगे? मौलिक अधिकार। न्याय से क्या हो जाएगा? देखो, न्यायिक समीक्षा या स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका कहां से है? ब्रिटेन से है। न्यायपालिका की समीक्षा अमेरिका से है। पुणे से क्या हो जाएगा? पुनरावलोकन प्रणाली।
उसे क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद। पे से क्या हो जाएगा, प्रस्तावना, जबकि प्रस्तावना भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मैं से हो जाएगा देखो महाभियोग, पद से हटाने के लिए प्रणाली। और लो से हो जाएगा लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी ना, लोकतंत्र डेमोक्रेसी। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी आपका ए बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये भी साथ में याद रखना, अमेरिका से लिए गए विदेशी स्रोत है जो अपने संविधान में क्या क्या लिया गया है उनका एक साथ विश्लेषण कंप्लीट है भाई सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा बताओ देखे, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा, या चालुक्य के शासक पुलकेशन सेकंड के द्वारा, या राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, यानी एलोरा का जो कैलाश मंदिर, जिसको शिवजी का मंदिर कैलाश मंदिर कह सकते हो आप, एक ही बात है। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा लिखाई गई थी प्रयाग प्रशस्ति भाई, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय लिखी गई थी किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा भाई, हरिसेन के द्वारा। और इसके बाद ध्यान रखें कि मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और जो श्रीनगर नगर है वो भी अशोक ने बसाया था, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। और सांची का जो स्तूप है, इस सांची के स्तूप के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि इसको तुड़वा दिया था किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, फिर इसका वापस निर्माण करवाया उसके बेटे अग्निमित्र शुंग ने। सांची का स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप भी है। अगर मंदिरों की बात आती है तो सबसे प्राचीनतम मंदिर का जो निर्माण करवाया था गुप्त काल में हुआ था पहली बार, ध्यान रखो भित्रीगांव का लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, दशावतार मंदिर है, ये सबसे प्राचीनतम मंदिरों में नाम आता है इनका। और शिवजी महाराज के मंदिरों में नाम आए तो शिव, भगवान शिव के जो है 12 ज्योतिर्लिंग हुए थे भाई, भगवान शिव के 12 स्वरूप जिनको 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो यहां देखो चार प्रमुख धाम है, उन धामों पर भगवान की पूजा की जाती है। एक ही एक सबसे पहले ऊपर ऊपर कौन सी है, बद्रीनाथ धाम, जो कहां पर है, उत्तराखंड में है, ध्यान रखो आप लोग। दक्षिण में है कौन सा, रामेश्वरम, जो कहां पर है, तमिलनाडु में। और यह भी याद हो कि रामेश्वरम का जो शिवलिंग है, कहते हैं कि भगवान राम ने खुद अपने हाथों से यह शिवलिंग बनाया था, ध्यान रखो आप लोग। उत्तर दक्षिण और पूर्व में और पश्चिम में जो है, यानी पूर्व में कौन सा है, पुरी जगन्नाथ मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर जो ओडिशा में है, जहां की रथ यात्रा बहुत फेमस होती है। और पश्चिम है द्वारिका धाम, जो कहां पर है, यह है भाई गुजरात में, गुजरात में। यहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा, यहां भगवान कृष्ण की पूजा, यहां शिव और यहां पर भी शिव। और एक होती है मोक्ष धाम, एक कौन सी है, मोक्ष धाम, जिसे जो किसका नाम दिया गया था, जिसे अपन बोलते हैं केदारनाथ, केदारनाथ जी। तो उत्तराखंड में है ये भी, जिसमें कहते हैं कि पांडवों का यहां से मोक्ष द्वार खुला था, तो इसलिए मोक्ष द्वार के नाम से जानते हैं। सी आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। मैं पुनः बता रहा हूं, मंदिर बनाने की कला पहली बार भारत में गुप्त काल में विकसित हुई थी। भारत में, उत्तर भारत में जो मंदिर है वो नागर शैली के मंदिर है, दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिर है, जहां 5 भगवान की मूर्तियां बनाते हैं, उसे पंचायतन शैली कहा जाता है, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। और यहां आपका जो राइट आंसर है वो हो गया है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा बताओ देखे, मूल संविधान में वे उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा, किस संशोधन के अधिनियम द्वारा इस संशोधन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। यानी मूल संविधान में यह कहा गया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के ही कर देगी, लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया गया, किस संशोधन के तहत। तो 11वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय, इसको समाप्त कर दिया गया। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वैसे ही होगा जैसे राष्ट्रपति का होता है, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों के द्वारा।
ध्यान रखो आप लोग, जिसमें एमएलए और एमपी का मतमूल्य निर्धारित होगा और इसकी प्रोसेसिंग कहां से ली है, आयरलैंड से ली गई है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के तहत उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई, 1961 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है बाबू भैया। तो ए आपका यहां राइट आंसर हो गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये शानदार और लाजवाब इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ चुकी है। आज है दोस्तों ऑफर का अंतिम दिन, ध्यान रखें आप लोग, यानी 3 नवंबर, 24 अक्टूबर से ट्रिपल धमाका ऑफर आपके लिए प्रारंभ हुआ था, 3 नवंबर अंतिम दिवस है। और एसएससी और रेलवेज के किसी भी बैच में अगर आप लोग ऑनलाइन सिलेबस आपका है कोर्स लेना चाहते हैं तो उत्कर्ष यहां पर आपको दे रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो आज ही अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आज रात्रि 12 बजे तक ही ये वैलिड रहेगा, तो आप लोग अवश्य इसका फायदा उठाइएगा और जुड़िएगा टीम उत्कर्ष के साथ में और अपने सपनों को जो है साकार कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई, ध्यान रखा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मार्तंडे सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है भाई, गुजरात में है, ओडिशा में है, जम्मू कश्मीर में है या तमिलनाडु में है। देखो गुजरात में भी सूर्य मंदिर है, कौन सा है, ओडिशा में भी सूर्य मंदिर है, कौन सा है, तो सबसे फेमस जो है वो तो ओडिशा का ही है, सबसे पुराना जो है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे अपन उपनाम के रूप में बोलते हैं ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा। और यहां पर है मोडेरा का सूर्य मंदिर, मोडेरा का सूर्य मंदिर, ये कहां पर है, ये है भाई गुजरात में। और मार्तंडे सूर्य मंदिर जो है ये कहां पर है, ये है भाई जम्मू एंड कश्मीर। और यहां आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जम्मू कश्मीर, आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। और चेन्नई में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में नाम आता है मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु भाई, मीनाक्षी मंदिर जो भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है देवी के, उनमें से जो 4 प्रमुख शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर है। देखो शक्तिपीठों के बारे में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में 4 शक्तिपीठ है। उत्तरी उत्तर का जो शक्तिपीठ है वो है ज्वाला माता, जहाँ कहते हैं कि सती के अंश गिरे थे, ज्वाला माता जहाँ सती का घुटना आकर के गिरा था, जो है हिमाचल प्रदेश में। दक्षिण में जो है वो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है मीनाक्षी मंदिर, जहाँ कहते हैं सती का सौंदर्य गिरा था, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये तमिलनाडु। और पूर्व में जो है वो है कामाख्या माता, कामाख्या माता जो है गुवाहाटी असम में, कहते हैं कि यहाँ पर सती के गुप्तांग आकर गिरे थे, इसलिए आज भी यहाँ पर पत्थर की योनि की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में पुरुषों का प्रवेश जो है कुछ समय के लिए वर्जित भी रहता है। और यहाँ पर कामाख्या माता के मंदिर में अंबुबाची का मेला भरता है, जो पूर्वी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मेला है। और पश्चिम का सबसे बड़ा जो शक्तिपीठ है वो है हिंगलाज माता भाई, जहाँ कहते हैं कि सती के माते की हींग, अपन कहते हैं मांग, हिंगलाज माता, जो कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में भाई, तान इन पाकिस्तान। ये 4 प्रमुख शक्तिपीठ है भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम के, वैसे 51 शक्तिपीठ है। सी जम्मू कश्मीर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है, कंप्लीट है सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, और ये देखो आपको जम्मू कश्मीर का जो मार्तंडे सूर्य मंदिर है, दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ देखे, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे भाई, यानी सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ। तो आप सभी को ज्ञात हो कि सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था 1963 ईस्वी में, यह प्रथम अविश्वास प्रस्ताव था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ भाई, ध्यान रखो आप लोग।
फिर अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार तो इंदिरा गांधी के खिलाफ सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे लेकिन पास नहीं हुए थे, अगर आपसे पूछे कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाए गए पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है विश्व प्रताप सिंह। विश्व प्रताप सिंह 1989 से 90 पहले प्राइम मिनिस्टर है जिनको अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटा दिया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर और सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिन का कार्यकाल रहा, एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया था पास नहीं हुआ था। 1964 से लेकर के 1966 ईस्वी लाल बहादुर शास्त्री जी कोई अविश्वास प्रस्ताव आया ही नहीं था। इंदिरा गांधी के समय सर्वाधिक आए थे क्योंकि 1966 से 77 और 1980 से 1984 तक ये भारत की प्राइम मिनिस्टर रही थी। अटल जी भी तीन बार प्रधानमंत्री रहे थे, अटल जी को भी हटाया गया था अविश्वास से 1996 से 96 13 दिन की सरकार और 1998 से 1999 और फिर 1999 से 2004 तक अटल जी तीन बार प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है और भारत की प्रथम और एक मात्र महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, जिनके द्वारा इंटरनल इंडिया पुस्तक लिखी गई है, गरीबी हटाओ का नारा भी इनके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा भाई बताओ देखे, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, अमेजोन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है भाई, विश्व की सबसे बड़ी नदी, कांगो या नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी, और यहां जो आपका राइट आंसर है भाई वो है कांगो। स्टेनली जलप्रपात जो है ये कांगो नदी पर स्थित है और कांगो नदी किस रेखा को दो बार पार करती है, देखो अपन जब ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप लोग, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे अपन कह सकते हैं भूमध्य रेखा भाई, अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री जो उत्तरी दक्षिण अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं मकर रेखा, और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो वो है माही नदी। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार पार करती है, और जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है, ध्यान रखो आप लोग, और मकर रेखा को दो बार पार करती है लिम्पापो नदी, लिम्पापो नदी, ये भी साथ में याद रखो, यहां आपका राइट आंसर भी है। और मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी बोलते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान, मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा बताओ देखे, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष प्रयोक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या संसदीय मामलों के मंत्रालयों के अधीन, लोकसभा का जो सचिवालय होता है ध्यान दो आप लोग, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन कार्य करता है, लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से तो किसके अधीन कार्य करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन ये कार्य करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही उनको पूरा का पूरा गाइड करता रहता है, तो उनके अधीन ही वो कार्य करते रहते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर कौन है वर्तमान में, ओम बिरला जी है, प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री, ये तो सब के मिनिस्टर में ही आगे जान रहे आप लोग। अगला क्वेश्चन आगे आपके सामने ये रहा बताओ देखे, तानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है भाई, ध्यान रखो आप लोग, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, इंडोनेशिया में है या फिर लाओस, लाओस हजार हाथियों का देश जिसे कहा जाता है, बता दो जल्दी से देखे, राइट आंसर आपका क्या होता है कि तानले सेप जो है ये झील दोस्तों है कंबोडिया में, ध्यान रखो आप लोग, थाईलैंड जिसकी राजधानी कहां पर है, बैंकॉक, सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश कौन सा है,
थाईलैंड, इंडोनेशिया जिसे विश्व में सर्वाधिक द्वीप अपन को देखने को मिलते हैं, और नुसंतारा जिसकी कैपिटल है, और लाओस जिसे हजार हाथियों का देश कहा जाता है। हजार हाथियों का देश, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टानले सैप झील जो है वो, अगर आपसे ये पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब तो आपका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहां पर है रे, रूस। अगर आपसे ये पूछे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी बेकाल। ये भी कहां पर है, ये भी रूस में है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपका टिटिकाका, उत्तरी अमेरिका, यूएसए। और अगर आपसे ये पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है लेक सुपीरियर। झील, यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कंबोडिया आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ और राज्य दोनों के लिए, न संघ के लिए न राज्य सरकार के लिए, यानी सीएजी किसके लिए काम करता है। सीएजी जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में अपन को देखने को मिलता है, और प्रथम सीएजी कौन हुए थे, प्रथम हुए थे वी नरहरी राव। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये भारत की संचित निधि का प्रमुख होता है भाई, संचित निधि का प्रमुख होता है। तो ये किसके अधीन कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है, संचित निधि का प्रमुख होता है, तो संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, जी नहीं, दोनों के लिए, ध्यान रखो, संघ तथा राज्य सरकार के लिए, यानी सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। सुन लेना भाई अच्छे से, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महान्यायवादी जो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, वो होता है संविधान के आर्टिकल 76 के तहत। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, या जय हिंद। तो सत्यमेव जयते, कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से, ध्यान रखो आप लोग, कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद। कुल 108 उपनिषद है, उनमें से सबसे प्रमाणित उपनिषदों में से एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, जहां से लिया गया भारत का मूल मंत्र, आदर्श वाक्य, सत्य की हमेशा विजय होती है। जबकि वंदे मातरम जो है ये कहां से लिया है, ये लिया गया भारत का राष्ट्रगीत आनंद मठ से, आनंद मठ से, जो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार गाया गया था ये 1896 ईस्वी में, और इसको गाने का समय होता है 65 सेकंड। जय जवान जय किसान का जो स्लोगन है, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री। और ध्यान रखो कि जय जवान जय किसान के आगे जय विज्ञान किसने जोड़ा था, तो जय विज्ञान जोड़ा था अटल जी ने। और अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान के आगे जोड़ दिया है जय अनुसंधान, ये जोड़ दिया है किसने, नरेंद्र मोदी ने। और जय हिंद जो है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद और दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्या नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था।
तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? चलो आप लोग कमेंट करके बताओ, देखे कि क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, कौन सा? कल इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, इंकलाब जिंदाबाद। सोच समझ के उत्तर देना, जल्दबाजी के फैसले में बता रहा हूं, इतना इजी हो जाता है। मैं पूछता है क्यों आपसे, किसके द्वारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ध्यान रखो भाई आप लोग। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा, किसके अंतर्गत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे अपन बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी कहते हैं, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961, या फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865, या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911 ईस्वी, ध्यान रखो आप लोग। तो भारतीय अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 हाईकोर्ट की स्थापना होने का प्रावधान रखा गया था, जबकि स्थापना हुई कब थी? कलकत्ता, बंबई, बॉम्बे और मद्रास, 3 हाईकोर्ट पहली बार स्थापित हुए थे 1862 ईस्वी में भाई, कब हुए थे? फिर चौथा जो हाईकोर्ट खुला था वो कब खुला था? वो खुला था 1866 ईस्वी में, और वो कहाँ खुला था? वो खुला था इलाहाबाद हाईकोर्ट। ध्यान रखो शहरों के नाम चेंज हुए हैं, हाईकोर्ट के नाम चेंज नहीं हुए, इलाहाबाद यूपी प्रयागराज में। और अगर आपसे ये पूछे कि भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना हो गई थी 1774 ईस्वी में, जिसका नाम रखा था आपके इंपीरियल कोर्ट, और यह कहां खोला गया था? यह खोला गया था कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत? 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और यही इंपीरियल एक्ट आगे चल करके भारत का सुप्रीम कोर्ट बना भाई, ध्यान रखो। इसका ट्रांसफर हो गया था बाद में कहां पर? दिल्ली में, और फिर ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के रूप में, तो 1866 में। अब अगर आप पूछे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है, वर्तमान में कुल हाईकोर्ट भारत में कितने हैं, तो वर्तमान में है भाई 25 उच्च न्यायालय भारत में, कितने हैं? 25। और 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? तो 25वां हाईकोर्ट है भाई अमरावती। अमरावती कहां पर है? आंध्र प्रदेश। और यह भी याद रहे कि एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों का संयुक्त हाईकोर्ट भी हो सकता है, किस अधिनियम के तहत भाई? तो यह 7वां संविधान संशोधन किया था 1956 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने, जिसके तहत यह कहा गया था कि एक हाईकोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट भी हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो है पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, और चंडीगढ़ का भी है, कलकत्ता हाईकोर्ट है, ठीक है, बम्बई हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट है, वर्नाकुलम केरल हाईकोर्ट है, ध्यान रखो आप लोग, जम्मू वाला है, तो ये संयुक्त हाईकोर्ट हो गए हैं। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो है इसके तहत पहली बार मुसलमानों को अलग से मतदान के अधिकार के संदर्भ में यह एक काफी प्रसिद्ध हुआ था। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन आ गया है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, या दक्षिण प्रशांत महासागर में? देखो बरमूडा ट्राइंगल त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये रहा आपका बरमूडा, ठीक है, और ये आपका सेंट जुआन जो पुर्टो रिको है, और ये आपको देखो यहाँ से म्यांमार, ये तीनों को जो है कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये बरमूडा ट्राइंगल, ध्यान दोगे आप लोग, ये बताओ, आपको ये बताना है कि ये कहाँ स्थित है, हाँ ये कहाँ स्थित है? तो ये है भाई, ध्यान रखो आप लोग, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ और एक ध्यान रखो, एक बोलते हैं ध्यान रखो, ये तो हो गया बरमूडा ट्रायंगल, एक ध्यान रखो बरमूडा गर्त भी है, ध्यान रखो आप लोग,
ठीक है ना, जिसे अपन बोलते हैं भूतों का गर्त, वो कहां पर है? वो प्रशांत महासागर में है। वो कहां पर है? प्रशांत महासागर में है, विश्व का सबसे गहरा गर्त। प्रशांत जिसे भूतों का गर्त बोलते हैं, बहुत गहरा, कहते हैं कि उसके ऊपर से जो भी चीज आती है ना वो उसके अंदर समाहित हो जाती है, भूतों का गर्त, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाँ तो उत्तरी अटलांटिक, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, और इस महासागर के साथ ही समयावधि समाप्त हो जाती है भैया। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल, आज के लिए बस इतना ही। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अच्छे से सही ढंग से पढ़ करके, ऐसे जल्दबाजी के फैसले मत लेना, मैं पुनः कह रहा हूँ आपको। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाज़त। मैं श्री चारण पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।